फर्जी वेब सीरीज जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन इस सीरीज के मैंने 8ों एपिसोड देख डाले थे। अब रीजन ये था कि इसका रिव्यू लेट करने का, क्योंकि उस वक्त मुझे काम था, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए इसका रिव्यू लेट करना पड़ रहा है। हर एपिसोड एक एक घंटे का, 8 घंटे लगाए मैंने इस सीरीज को खत्म करने में। और खासकर जब इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मुझे यहाँ पर तीन जो एक्टर थे उनकी परफॉर्मेंस मुझे खासकर देखनी थी, शाहिद कपूर की, विजय पेतु सर की, के मैनन की, इन तीनों की मुझे परफॉर्मेंस देखनी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो ट्रेलर पसंद आया था। उसके अंदर थोड़े बहुत डायलॉग जो सुनने को मिल रहे थे, स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी जब इसका ट्रेलर देखा था। तो मैं इस सीरीज को लेकर काफी ज्यादा बेसब्र था, मतलब इंतजार में इसको कर रहा था कि यार ये आए, इसको देखूं। मतलब मैं बार बार चेक कर रहा था कि यार ये रिलीज कब होगी, रिलीज डेट मुझे याद थी लेकिन भूले जा रहा था। फिर वापिस देख रहा था कि यार ये सीरीज जो है वो निकल ना जाए, इसको लेट ना कर दूं देखने से। तो अब इस सीरीज की स्टोरी की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो डेफिनेटली आपको स्टोरी पता चली होगी। फिर भी वीडियो को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए स्टोरी के बारे में तो बात कर ही लेते हैं। तो एक सनी नाम का एक लड़का होता है जो फर्जी नोट बनाना चालू करता है। उसको पेंटिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है। सीरीज की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो इसमें डिटेलिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने सोचा कि मैं बनाऊंगा फर्जी नोट और एकदम चुटकी बनाते ही वो बना देगा। जो मेहनत उसमें दिखाई गई है, जो भी इसमें फीचर्स दिखाए गए हैं, 1 500 का, 1 2000 के जो नोट है उसमें क्या क्या सिक्योरिटी रखी जाती है, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करती है, फिर एक चोर या फिर एक जो फर्जी एक जो आर्टिस्ट होता है उसको कैसे वो डिजाइन करता है, कैसे उसको एक बेहतर नोट बनाता है। एक बार में कोई सफल नहीं होता, फिर बार बार उसके ऊपर वो कोशिश करता है, फिर वो सफल होता है। कागज को लेकर जैसे इसमें डिटेलिंग दिखाई गई, कितने कागज, कितने, मतलब एक होता ना कि कितना पतला कागज चाहिए कि भैया हाथ में नोट आए तो वो असली लगे, दिखना असली नहीं होता, मतलब उसको फील करना ऐसा असली, ऐसा कुछ इसमें डायलॉग होता है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो सच कहूं जैसे डिटेलिंग इसमें देखी गई है ना, मुझे बहुत ज्यादा वो पसंद है। इसके अलावा सेकंड चीज जो मुझे इस सीरीज में पसंद आई वो थे डायलॉग। माइकल नाम का एक इंस्पेक्टर होता है जिसे प्ले किया है विजय सेतुपति सर ने, मतलब उनकी जो कन्वर्सेशन होती है, जो मंत्री होते हैं अलहावत गहलोत ऐसे कुछ करके होते हैं, उसके साथ जैसी इसकी कन्वर्सेशन होती है बहुत उम्दा लेवल की। मुझे उन दोनों का आपस में स्क्रीन पे आता था, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आता था। सच में डायलॉग मुझे इस सीरीज के बहुत ज्यादा पसंद है। और इनके ऊपर जो 4 चांद लगा देती हैं वो, मतलब परफॉर्मेंस, चाहे वो शाहिद कपूर की हो, चाहे वो विजय सेतुपति सर की हो, चाहे वो के मैनन जी की हो, बाकी सब ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन मुझे खासकर इन तीनों की परफॉर्मेंस देखनी थी और इसलिए मैंने इस सीरीज को देखा था। और मुझे वो वाकई में जितनी उम्मीदें लगाई थी उससे भी ज़्यादा इस सीरीज ने मतलब डिलीवर किया। तो ये तो हुई इस सीरीज की अच्छी बातें। कमियों के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यार, मुझे इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी है, डिटेलिंग इसकी अच्छी है, डायलॉग इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। स्टोरी स्टार्टिंग में काफी बढ़िया लग रही थी, इंटरेस्ट बन रहा था, जैसे उसके ऊपर डिटेलिंग की जा रही थी, फिर वो जो फर्जी नोट बन रहा था, लेकिन 8 एपिसोड में आप बार बार वही सेम चीज दिखाएंगे, उसमें स्टोरी आगे बढ़ी नहीं रही है, तो यार उसमें बोरियत तो आनी ही थी। सेम मेरे साथ ऐसा हो, देखो यार ये मेरा केस है, शायद आप इस सीरीज को अलग सोचते हो, अलग ढंग से इसको देखते हो, शायद आपको इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर स्टोरी को लेकर तो इतना नहीं बना। इसके अलावा सीरीज के अंदर एक लव लाइफ भी, उसका छोटा सा पार्ट, शाहिद कपूर और शहनाज गिल इन दोनों की एक केमिस्ट्री इसमें देखने को मिली, लेकिन वो उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया है, थोड़ा बहुत ही रखा है। लेकिन आप वो अगर एक लव लाइफ या फिर जैसे इंटरेक्शन आप शाहिद कपूर का देखेंगे शहनाज गिल के साथ, तो ऐसा लगेगा यार ये बस था जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। आप देखिए एक सीन आएगा उसके अंदर तब आपको पता चलेगा, मम्मा वो डिटेल से तो मैं बता नहीं सकता। तो देखो यार मेरी तरफ से तो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10। हाँ डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखिए, आप परफॉर्मेंस के लिए इसको देखिए, आप डिटेलिंग के लिए, आप एक्टिंग के लिए, आप डेफिनेटली इस सीरीज को देखिए। सीरीज के अंदर गाली गलौज काफी ज्यादा है, तो बच्चों के लिए तो वैसे भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।